जालौन मेट्रो से मरेश्मी पांडे। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हर्षोल्लास के साथ माधोगढ़ नगर में समाज सेवियों द्वारा मनाई गई। माधोगढ़ जालौन से खबर। राष्ट्र निर्माता लोह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन नगर पंचायत माधोगढ़ के सभी वार्डों में प्रमुख रूप से किया गया, जिसमें सभी वार्ड के बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे। सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंड भारत के निर्माता थे, जिन्होंने 565 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया। सरदार पटेल हमेशा किसान मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंगर, सत्येंद्र भदौरिया, दिनेश स्वर्णकार, रामराजा महेश पत्राही, विनोद शाक्यवा, नीरज पाठक, बंटी नेता, नीतू दीक्षित, सचिन मंगल, आशीष बाथम, बलबीर कुशवाहा, अनमोल मिश्रा, कोमल मिहोनी, राहुल शर्मा, सुनील तोमर, दीन बंधु द्विवेदी, श्यामू सेंगर, अमित राजावत, विष्णु गोस्वामी, राम आश्रय शर्मा, शंभू सिंह आदि सम्मानित नगरवासी मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। मैं हूं आपका अपना सुमित कुमार, अपने सहयोगी दीप उपाध्याय के साथ। आज लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। इसी क्रम में हम आज माधोगढ़ नगर में आए हुए हैं, तो यहाँ कुछ युवा जयंती मना रहे थे, तो आइए हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या योगदान रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश के प्रति। क्या नाम है सर आपका? विष्णुपाल गोस्वामी। आप कहाँ? माधोगढ़ के निवासी हैं। आज जो आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, किस उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं? आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं जी, उनके उपलक्ष्य में अपने वार्ड में जी उनकी जयंती मना रहे हैं। अच्छा, जो कि भारत के लौह स्तंभ थे जी वल्लभ भाई पटेल जी जी, जिन्होंने भारत को एक मजबूत संगठन इकट्ठा किया जी, और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उनको हम नमन करते हैं। और वो भारत में जितनी रियासतें थीं, भारत जो विकसित देश था, उसको उन्होंने संगठित किया है, और एक जितने भी कार्य किए उनकी कार्यों की सारी सराहना रही है जी। जैसे देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी प्रथाएं उन्होंने हटाई। उन्होंने देखा जाए तो वल्लभ भाई पटेल जी ने काफ़ी रियासतों को किए, जैसे कि जम्मू कश्मीर है अपना राज्य है, उसको उन्होंने हिंदू राजा वहाँ की हीरा सिंह हुआ करते थे, तो उन्होंने मतलब काफ़ी राज्यों को अपने में उन्होंने सोचा कि भारत अपना एक राज्य बने, अपना एक देश बन जाए। नहीं तो उन्हें ये तो है भारतीय गणराज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, तो इस जयंती के उपलक्ष्य में आप युवाओं को या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देना चाहते हैं कि सम्मिलित रहे, संगठित रहे जी, और जो अमानवीय जो लोग फैला रहे हैं मानवता के हित में जो विघटन कर रहे हैं, वो विघटन ना करें, लोग सम्मिलित रहे, बस इतना हम कहना चाहते हैं जी। धन्यवाद। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।